वेलकम टू माय चैनल रेडिएशन गुरु, माई सेल्फ अक्षिता। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। मींस डिस्कवरी, कैसे एक्सरेज आया, कैसे डिस्कवरी हुई इसकी, किसने की, कब की और किस तरीके से की, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है किसके एक्सरे की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो एक्सरे की डिस्कवरी डब्ल्यू सी रंजन सर ने की, जिनका पूरा नाम है विलियम कॉनाड रंजन, जो आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, उन्होंने की है। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और इन्होंने कब की ये एक्सरेज की डिस्कवरी, 8 नवंबर 1895 को, ठीक है। और इन्होंने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो कब किया था, किसके ऊपर किया था, इनके वाइफ के ऊपर किया था। किसका एक्सरे किया था, हैंड का एक्सरे किया था। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि डिस्कवर कब डिस्कवर हुआ, डब्ल्यू सी रंजन सर ने किया। किसने किया, डब्ल्यू सी रंजन सर ने किया है। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, कब किया, 8 नवंबर 1895 में किया। इन्होंने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था उनकी वाइफ के ऊपर किया था, हैंड का एक्सरे लेकर। तो मैंने अभी आपको बताया एक्सरे की डिस्कवरी किसने की, कब की और उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किस पे किया, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ उन्होंने किस तरीके से की। तो उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है, इस ग्लास ट्यूब में ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इस ग्लास ट्यूब को मैंने यहाँ बनाया हुआ भी है। यहाँ जनरली इस ग्लास ट्यूब में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्राई करना चाह रहे थे कि इस ग्लास ट्यूब में यदि मैं गैसेस को भरूँ तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। उनका एम तो ये था, बट उन्होंने ऑब्जर्व कुछ और किया। क्या हुआ एग्जैक्टली, तो ये कुछ इस तरीके की ट्यूब थी जो अभी आपको दिख रही है स्क्रीन पे और यहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड पे। तो इसमें क्या था कि दो इलेक्ट्रोड्स थी, कैथोड एंड एनोड, दो इलेक्ट्रोड्स, दैट मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसमें उन्होंने क्या किया, गैस भर दी, गैसेस को लो प्रेशर पे भरा, हाई प्रेशर पे नहीं भरा, लो प्रेशर पे भरा। तो उन्होंने फिर इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसमें से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही है। तो वो क्या है, वो रेज इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज पार्टिकल है या फिर वो क्या है। तो उन्होंने वो चेक किया, तो ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स में से कुछ रेज निकली जो आपकी यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी उस पर भी चमक, मतलब एक ग्लो टाइप दे रही थी और फोटोग्राफिक प्लेट को भी धुंधला फोक्ड कर रही थी, मतलब इफेक्ट कर रही थी। तो क्या था ऐसा, वो क्या थी वो रेज, वो इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों को इफेक्ट कर रही थी। फिर उन्होंने एक ब्लैक पेपर लगा के देखा, यहाँ से जो रेज आई उसमें उन्होंने क्या निकाल के देखा, ब्लैक पेपर लगा के देखा कि वो इसमें से भी पास हो रही है, क्या वो इसमें से भी पास हो रही है, इसे भी पेनिट्रेट कर रही है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यस, वो ब्लैक पेपर में से भी पास हो रही है, ब्लैक पेपर को भी पेनिट्रेट कर रही है। तो उन्होंने फिर क्या किया, और मोटा ऑब्जेक्ट और थिकर ऑब्जेक्ट लगा के देखा। तो उन्होंने जब वो थिकर ऑब्जेक्ट लगाया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यस, वो उसमें से भी पास हो रही है, उसमें से भी पास, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग तो है। फिर उन्होंने क्या चेक किया, उन्होंने मैग्नेट लगाई, मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो मैग्नेटिक फील्ड से भी कोई प्रभावित नहीं हो रही, दैट मीन्स वो चार्ज पार्टिकल तो नहीं है। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्सरेज। और बाद में उन्होंने बताया ये जो एक्सरेज है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है ये जो एक्सरेज है, मतलब ये जो रेज आई है उसका नाम उन्होंने रख दिया एक्सरे। और फिर इस रे को क्या बोला उन्होंने कि ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। रेडिएशन है जिसकी जो वेवलेंथ है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो स्मॉल, ठीक है। तो ये बेसिक था उन्होंने। और इसके डिस्कवरी के बाद उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। बट ये बेसिक था कि वो बैठे बैठे इसमें मतलब देख रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी गैसेस भरने के बाद कि नहीं होगी। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है उसमें से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रख के ट्राई किया, तो उन्हें ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। फिर पेनिट्रेटिंग थी वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्सरेज। उसको बाद में उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर इन ग्लास ट्यूब। मैंने आपको बताया था कि वो एक ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके देख रहे थे, मतलब वही चेक कर रहे थे कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है गैसेज को भर के लो प्रेशर। उसके बाद उन्होंने क्या नोटिस किया, ही नोटिस दैट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द ट्यूब गेव ऑफ इनविजिबल रेज दैट कॉज फ्लोरोसेंट स्क्रीन टू ग्लो एंड दैट फोक्ड फोटोग्राफिक प्लेट।
तो उन्होंने ये नोटिस किया जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स थी ट्यूब में, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थी वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन को ग्लो कर रही थी और फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसको वॉक्ड मतलब धुंधला धुंधला कर रही थी, दैट मीन्स इफेक्ट कर रही थी। और उसमें से जो रेज निकल रही थी वो कौन सी थी? इनविजिबल रेज। उसके बाद द रेज वर वेरी पेनिट्रेटिंग, मैंने आपको बताया था वो रेज इतनी पेनिट्रेटिंग थी कि जब डब्ल्यू सी रोंजन सर ने उसे ब्लैक पेपर से पेनिट्रेट किया तो इजीली पेनिट्रेट हो गई। इवन जब वो थिकर ऑब्जेक्ट कोई लगाया, कोई मोटा ऑब्जेक्ट लगाया तो वो उसमें से भी पेनिट्रेट हो गई। द रेज वर वेरी पेनिट्रेटिंग, दे पास जो थ्रू ब्लैक पेपर एंड थिकर ऑब्जेक्ट, तो भी वो क्या हो गई? पास हो गई। ओके, तो दे वर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मैग्नेट हटके भी चेक किया था कि उससे वो डिफ्लेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर डिफ्लेक्ट मतलब रेज इधर उधर जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। बट वो उससे भी कोई प्रभावित नहीं हुई, वो इधर उधर नहीं गई। फिर उन्होंने रोंजन ने ये कंक्लूड किया कि यस ये चार्ज पार्टिकल तो नहीं है। क्या कंक्लूजन किया रोंजन सर ने कि ये चार्ज पार्टिकल तो नहीं है, ये क्या है, इसका नेचर उनको क्या है पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्सरेज, ठीक है। बाद में उन्होंने बताया कि ये EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है बहुत शॉर्ट वेवलेंथ ही है। तो ये बेसिक डिस्कवरी थी कि किस तरीके से उन्होंने डिस्कवर किया। तो उनको जो उन्होंने डिस्कवरी की किसकी? एक्सरे की। किसने? डब्ल्यू सी रोंजन सर ने जो डिस्कवरी की थी किसकी? एक्सरेज की डिस्कवरी के लिए उनको नोबल प्राइज जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है वो दिया गया था कब? 1901 में। तो ये क्वेश्चन MCQs में भी आता है कि डब्ल्यू सी रोंजन सर को नोबल प्राइज कब मिला था? 1901 में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, किस क्या क्या प्रॉपर्टीज पे ये काम करता था। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है कुछ इस तरीके की, ठीक है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। शॉर्ट कितनी? 0.01 to 10 nanometer, इतनी शॉर्ट होती है उसकी वेवलेंथ, ठीक है। एक्सरेज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। एक्सरे कौन सी रेडिएशन होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है 0.01 to 10 nanometer, ठीक है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कौन? जो एक्सरेज है वो आपकी, जिनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके इक्वल होती है एक्सरे की भी वेलोसिटी। एक्सरेज पेनिट्रेट थ्रू सब्सटेंस, एक्सरे उन सब्सटेंस से भी पेनिट्रेट हो जाती है जो विजिबल लाइट से ओपेक, ओपेक मीन्स अपारदर्शी, मतलब विजिबल लाइट से भी जो सब्सटेंस अपारदर्शी है उन सब्सटेंस से भी एक्सरेज क्या होगी? पास हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था जब डिस्कवरी चल रही थी तब क्या कि एक्सरेज जो है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, वही है कि एक्सरेज बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, वो इतनी पेनिट्रेट होती है कि वो विजिबल लाइट से जो सब्सटेंस आपके ओपेक है अपारदर्शी है उनसे भी क्या कर देती है? उनको भी क्या कर देती है? पेनिट्रेट कर देती है, ठीक है। पेनिट्रेट मतलब छेदना, पेनिट्रेट मतलब पास होना, लाइक छेदना, है ना। तो एक्सरेज उन सब्सटेंस को भी पेनिट्रेट कर देती है जो विजिबल लाइट से ओपेक होती है। ओके, फोर्थ, एक्सरेज आर नॉट इफेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब अपन डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा एक्सरेज पे, तो वही लिखा है कि एक्सरेज आर नॉट इफेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है, मैंने आपको बताया था उसमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी हुई थी, उसको भी वो क्या कर रही थी? चमक ला रही थी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है वो क्या क्या, कौन सा मटेरियल होता है? वो कैल्शियम टेंजस्टेट और जिंक कैडमियम सल्फाइड वो मटेरियल होता है, उस पर एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो एक्सरे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट मटेरियल लाइक कैल्शियम टेंजस्टेट एंड जिंक कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद एक्सरेज मैंने आपको बताया था कि फोटोग्राफिक फिल्म को भी अफेक्ट कर रहा है, वो फॉग्ड हो रही है, ब्लरी हो रही है, तो उस पर भी क्या कर रहा है? उसी पर तो इमेज जनरेट होती है ना अपनी, तो फोटोग्राफिक फिल्म को भी क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं एक्सरेज। ओके, एक्सरे प्रोड्यूस आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। जो एक्सरे हैं वो जिस सब्सटेंस से पास होंगे उन सब्सटेंस में आयोनाइजेशन आयनीकरण और एक्साइटेशन उत्तेजन दोनों चीज़ें करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाना। तो एक्सरे उस जिस भी सब्सटेंस में से पास होंगे उसमें आयोनाइजेशन भी होगा और एक्साइटेशन भी होगा, ठीक है।
एक्सरे प्रोड्यूस केमिकल चेंज, रासायनिक चेंजेस। एक्सरे जिस भी सब्सटेंस में से पास होंगे उसमें केमिकल चेंज, केमिकल चेंज मीन्स रासायनिक चेंजेस भी आएंगे। ये एक्सरे की प्रॉपर्टी है कि एक्सरे आयोनाइजेशन भी करेगा, एक्साइटेशन भी करेगा, और एक्सरे जिन भी सब्सटेंस में से पास होंगे उसमें वो केमिकल चेंजेस को भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक्सरे किसको प्रोड्यूस करेगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जब आप एक्सरे पास करवा रहे हो या एक्सपोजर दे रहे हो तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से सेल आइदर डैमेज्ड, या तो वो डैमेज्ड टूट सकती है या किल्ड मर सकती है, या तो वो टूटेगी या तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सरे एक्सपोजर। जब आप एक्सरे एक्सपोजर दोगे उस वजह से बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, और बायोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होगा, जो आपके सेल है या तो वो डैमेज टूट जाएगी या किल्ड मर जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल नो प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई। मैं आपको वापस थोड़ी सी समरी में बता देती हूँ। फर्स्ट इज व्हाट, एक्सरेज जो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिनकी वेवलेंथ 0.01 to 10 नैनोमीटर होती है। उसके बाद जो आपके एक्सरेज है वो स्ट्रेट लाइट में ट्रेवल करती है जिनकी वेलोसिटी इक्वल टू लाइट होती है। इक्वल टू लाइट मतलब वेलोसिटी जो इक्वल टू लाइट, मतलब लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। तो आपकी एक्सरेज की भी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सरेज जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती, मतलब उससे प्रभावित नहीं होती। एक्सरे जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, और एक्सरेज आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होता है लाइक जिंक कैडमियम सल्फाइड वगैरह, इन पे अफेक्ट करती है। एक्सरेज आपका क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सरेज आपके फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करती है। ठीक है ना, और था क्या, एक्सरे आपका प्रोड्यूस करती है आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन को, एक्सरे प्रोड्यूस करती है केमिकल चेंजेस को, बायोलॉजिकल इफेक्ट को जिन भी सब्सटेंस से वो पास होती है। एक्सरेज उन सब्सटेंस को भी पेनिट्रेट कर सकती है जो विजिबल लाइट से ओपैक होते हैं। ओपैक मीन्स अपारदर्शी होते हैं। आई थिंक पूरी 9 हो चुकी हैं। तो ये आपका था डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। आपको यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।